सो वेल हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर। यूपी मौसम अपडेट है और साथ ही पीएम मोदी के कुछ ऐलान है जिसके बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। गेहूं खरीद से लेकर सरसों की महंगाई तक, गोल्ड सिल्वर प्राइस तक सब कुछ जानेंगे। वहीं पर 1 जून से देश में नए तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनने जा रहा है, इसका बदलाव भी हुआ है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे हर एक नई जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला अपडेट जान लीजिए। राजकोट के गेम जोन में आग लगी थी, 27 बच्चों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 12 बच्चे हैं। चश्मदीद बोला, कचरे से आग भड़की है, 30 सेकंड में फैल गई। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। गुजरात के राजकोट शहर के कालावाड रोड पर स्थित टीआरपी गेम जोन में शनिवार शाम 4:30 बजे भीषण आग लग गई। हादसे में 12 बच्चे समेत 27 की मौत हुई। 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वही योगी बोले, कांग्रेस तालिबानी कानून लागू करना चाहती है। वाराणसी में कहे कि शरीफ मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। जी दोस्तों, सीएम योगी वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि सरकार आएगी तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब है कि भारत के अंदर बेटी स्कूल नहीं जा पाएंगे, घर के अंदर बुर्का पहन के दुबक के रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, सरसों की कीमतों में 700 रुपए की तेजी आई है। एमएसपी के बजाय खुली बोली में फसल बेच रहे हैं किसान। दोस्तों, सरसों के भाव में इन दिनों रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि किसानों के पास अब ज्यादा माल बचा नहीं है, कुछ किसानों के पास माल का स्टॉक पड़ा हुआ है और इसे तेजी से उनका फायदा भी हो रहा है। सरसों में तेजी के बाद बहरोड में समर्थन मूल्य पर 3 दिनों में सरसों की खरीद बंद है। पिछले 8 से 9 दिनों में सरसों के भाव 500 से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल भाव बढ़ गया है। इसके बाद किसानों ने सरकारी केंद्रों पर फसल न बेचकर खुली बोली में बेचना शुरू कर दिया है। मंडी व्यापारी रमेश सैनी कहते हैं कि 8 से 9 दिन पहले सरसों 5100 से 5200 था, अब 5650 रुपए में बिक रहा है। बनारस स्टेशन से पकड़ा गया 1,63,00,000 का सोना। कुछ मीडिया रिपोर्ट में 2 करोड़ बताया जा रहा है। DRI ने की है कार्रवाई। 2 तस्कर 2 किलो विदेशी सोना के साथ अरेस्ट हुए हैं। सोने की तस्करी पर लगातार डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI अंकुश लगा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर DRI ने वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर न्यू दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से 2 गोल्ड तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्कर पश्चिम बंगाल के पश्चिम मोदनीपुर के आशीष राणा और दिल्ली करोल बाग के तपस मिद्या बताए जा रहे हैं। इनके पास 2 किलो सोना बरामद हुआ जिसकी कुल कीमत 1,63,00,000 से अधिक बताई जा रही है। तो नौतपा में 4 डिग्री चढ़ गया वाराणसी समेत ईस्ट यूपी का पारा। जौनपुर और भदोही में वार्म नाइट का अलर्ट है। 44 डिग्री के साथ आजमगढ़ सबसे गर्म रहा है। नौतपा शुरू होते ही वाराणसी समेत पूरे ईस्ट यूपी का पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। आपको बता दें, वाराणसी का अधिकतम पारा 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज ईस्ट यूपी के 2 जिले जौनपुर और भदोही सबसे गर्म रहने वाले हैं। यहां पर वार्म नाइट होगी। 5 गर्म जिले आप यहां पे देख सकते हैं, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया और सोनभद्र। लास्ट या फिर जून के पहले सप्ताह में बारिश होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के मौसम वैज्ञानिकों ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा, मई लास्ट या जून के पहले सप्ताह में बारिश देखने को मिलेगी। मोदी बोले, लैंड फॉर जॉब स्कैम वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिहार में कहा, लालटेनियों ने अपना घर रोशन किया, सभी शहजादे अब छुट्टी पर जाएंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना और काराकाट और फिर बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री करीब 1:30 बजे काराकाट पहुंचे और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए उन्होंने वोट मांगा है। अच्छा, कॉमर्शियल वाहनों को भी एक मुश्त देना होगा रोड टैक्स। इनको रखा गया है स्लैब से बाहर। उत्तर प्रदेश में अब कॉमर्शियल वाहनों को भी रोड टैक्स के साथ सभी टैक्स एक मुश्त देने होंगे। इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही टैक्स बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आचार संहिता हटने के बाद इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब कॉमर्शियल वाहनों को भी रोड टैक्स के साथ सभी टैक्स एक मुश्त देने होंगे, क्योंकि इन वाहनों में 8 से 10 हजार से अधिक मासिक टैक्स आते हैं। आपको बता दें, वाहनों में एक मुश्त सभी टैक्स लिए जाएगा। पहले चरण में ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो और 7.5 टन भार ढोने वाले वाहन, JCB, सालाना 3 टन माल ढोने वाले तिपहिया वाहनों से भी तिमाही या फिर सालाना टैक्स लिया जाता है और यात्री वाहनों से मासिक या फिर तिमाही टैक्स लिया जाता है। अब इनसे अन्य टैक्स भी लिया जाएगा। तो डांस दीवाने 4 सीजन के विनर हैं गौरव और नितिन। जी हाँ, इन्होंने जीत लिया है सो। 5 जोड़ियों को पछाड़ कर चमचमाती ट्रॉफी के साथ घर ले गए हैं 20 लाख रुपए। डांस दीवाने 4 ने शनिवार को नितिन और गौरव को सो का इस सीजन का विजेता घोषित किया है। तो रोपवे से होंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि और बिहारी जी के दर्शन। इस दिन शुरू होगा राधा रानी मंदिर का उड़न खटोला। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्म और लीला स्थली मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं को रोपवे से मंदिर तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। बरसाना के राधा रानी मंदिर में भी 15 जून से रोपवे शुरू होगा। जी आपको बता दें, इसकी शुरुआत वृंदावन से की जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को ब्रज तीर्थ विकास परिषद वृंदावन क्षेत्र का तकनीकी टीम के साथ निरीक्षण किया है कि 3 चरणों में पूरी होगी योजना। आप यहां पे देख सकते हैं, रोपवे से अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और बिहारी जी के दर्शन होंगे।
वह यूपी में सातवें चरण के चुनाव में रोचक मुकाबला कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर सबकी नजर रहेगी। यह यूपी में सातवें चरण के मुकाबले होने वाले हैं। आखिरी चरण का चुनाव दिग्गज नेताओं के रणनीतिक कौशल और लोकप्रियता के इम्तिहान का सबब बन रहा है। नरेंद्र मोदी, अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ पांडे की लोकप्रियता की होगी परख। जी हां, वाराणसी में भी चुनाव होगा। प्रियंका ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया के रणनीतिक कौशल का भी इम्तिहान होगा। मुख्तार अंसारी मुद्दे का कितना असर होगा ये भी देखने को मिलेगा। फिलहाल यूपी में सातवें चरण के चुनाव में रोचक मुकाबला होगा 1 जून को। तो खाद्य सुरक्षा की तरफ से एक बड़ा नियम जारी हुआ है। अगर आपको भी मिलता है फ्री राशन तो जल्दी से डीलर से आप ये काम करा लीजिए, वरना आपका राशन बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, अगर आपके पास राशन कार्ड है, खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आप लेते हैं तो खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जन आधार और गैस सिलेंडर के बाद अब राशन कार्ड की भी KYC करवानी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाखों परिवारों के सदस्यों को अब राशन डीलर की दुकान पर जाकर ईपॉस मशीन के जरिए KYC करानी होगी। ध्यान रहे कि ये OTP के जरिए नहीं होगा। आपको राशन की दुकान पर जाकर अंगूठा लगाना ही होगा, और अगर अंगूठा नहीं लगता तो आयरिस स्कैनर जरिए KYC होगी। लेकिन हर एक सदस्य को राशन की दुकान पर जाकर लगाना होगा, वरना राशन रद्द हो जाएगा। वोट बेकार नहीं जाना चाहिए, सरकार बनाने वालों को वोट करिए, काराकाट में बोले हैं पीएम मोदी। काराकाट में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में वोट देने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोट बेकार ना करके उन्हें वोट दे जो सरकार बनाएगी। तो यूपी के इन शहरों के बीच 4 लेन में 61 किलोमीटर पर सरपट दौड़ेगी गाड़ियां, किसानों को मिलेगा मुआवजा। यूपी के इन शहरों के बीच अब सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी। यूपी के दूसरे राज्य में जाने की राह भी आसान हो गई है। आपको बता दें, जमीन अधिग्रहण पर किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार की ओर से इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। यूपी के मुरादाबाद से बाया और ठाकुरद्वारा रामनगर तक का सफर अब बहुत आरामदायक होने जा रहा है। वयाग्रा में पार्किंग शुल्क मांगने पर कर्मचारी को पीटा है। अधिवक्ताओं ने जमीन पर गिरा गिरा कर लात घूंसे बरसाए हैं। आप यहां पे फुटेज देख सकते हैं। वही प्रयागराज से मुंबई के लिए सफर हो जाएगा आसान, फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। जानिए नया शेड्यूल। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में मुंबई के लिए आज से 2 फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है। 2 निजी विमान कंपनियों ने उड़ान के लिए 1 घंटा 20 मिनट का अंतर आएगा। इंडिगो और आकाशा एयर की फ्लाइट सेवा मुंबई के लिए मिलेगी। तो 1 जून से देश में कई सारे बदलाव हो रहे हैं। फिलहाल 1 जून से देश में नए तरीके से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। टेस्ट के लिए नहीं लगाना पड़ेगा RTO के चक्कर, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, मौजूदा समय में DL आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए RTO जाकर टेस्ट देना पड़ता है। कई बार तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब सरकारी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर की जगह पर प्राइवेट RTO सेंटर को ड्राइविंग टेस्ट लेने की जिम्मेदारी सौंपने पर काम चल रहा है। जी हां, अब टेस्ट सेंटर जारी कर पाएगा लाइसेंस। इसके लिए आपको RTO जाना नहीं पड़ेगा। 1 जून से ये नियम लागू हो रहा है। वही दोस्तों, गेहूं खरीद का टूट गया रिकॉर्ड। अभी तक 262 लाख टन से अधिक हुई है खरीदी, ये रहे हैं आंकड़े। चावल की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। 48 मिलियन टन चावल के बराबर 72 मिलियन टन धान लगभग 160,472 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 98 लाख किसानों से खरीदा गया है। सरकार ने कहा कि गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक वर्तमान में केंद्रीय मूल्य पर 60 मिलियन टन से अधिक है। यह इस बार गेहूं खरीद का टूट गया है रिकॉर्ड। तो आइए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जानते हैं। सोने का दाम स्थिर है, चांदी औंधे मुंह गिरा है, यानी अभी इसकी कीमत क्या है। उत्तर प्रदेश में कीमती धातु सोना और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बीते कई दिनों से अधिकांश समय पर सोना महंगा ही हुआ है, लेकिन अब आपको बता दें, आभूषण के नए भाव जारी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 500 रुपए तक चांदी के दाम सस्ते हो गए हैं। अब चांदी 91,000 के पास पहुंच गई है। सोना के दाम कितना है, 72,590 रुपए 10 ग्राम इस समय सोना चल रहा है, और 22 कैरेट वाला सोना 66,550 का मिलेगा। वही दोस्तों, गूगल ने फ्लिपकार्ट में खरीदी है हिस्सेदारी। ई कॉमर्स कंपनी में 2,907 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फ्लिपकार्ट का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है गूगल। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने फ्लिपकार्ट में $950 मिलियन यानी 7,891 करोड़ रुपए के फंडिंग राउंड में लगभग $350 मिलियन 2,907 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा फॉर लेटेस्ट न्यूज। धन्यवाद।